हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, अपन ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको अपन ने डिस्कस किया, जो बेंडिंग और ट्विस्टिंग और कॉम्पाउंड लोडिंग से लोडेड थे। अब इनमें क्या होता है कि बेंडिंग एक अलग टाइप का लोड है और ट्विस्टिंग एक अलग टाइप का लोड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कोई बीम हो और उस पर ऐसे लोड लग रहा है तो वो उसको क्या करेगा, बैंड करेगा। लेकिन ट्विस्ट मतलब ऐसे मरोड़ना, ट्विस्ट मतलब मरोड़ और बेंडिंग मतलब घूर्णन, ठीक है। तो ऐसे घुमाएगा और एक ऐसे मरोड़ेगा। तो ये दो टाइप के लोड के बारे में अपन ने बताया था। दोनों पर कुछ जो आते हैं आपके उन पर डिस्कशन भी हुआ था और उस डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए थे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब अपन आगे की बात करेंगे जिसमें हम कुछ एक जैसे की के बारे में अपन ने शुरुआत कर दी थी। की के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि जो पूरी असेंबली होती है की की, उसमें शाफ्ट होती है, हब होता है और पुली होती है पूरी की पूरी, उन सब में से और जो की होती है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, क्योंकि की इज़ द जॉइंट है। सिंपली वो शाफ्ट और हब को ज्वाइन करने की एक टेक्निक है। तो इन सब में सबसे वीकेस्ट पोर्शन जो होता है, वीकेस्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है की। और वो की वीकेस्ट एलिमेंट क्यों होता है, इसका भी कारण है, क्योंकि वीकेस्ट उसको रखा जाता है ताकि अगर कोई ऐसी ओवरलोडिंग, ओवर ट्विस्टिंग, ओवर सिचुएशंस हो जाए तो उसमें सबसे पहले फेल कौन हो, की ही फेल हो। तो यानी की फेल होनी चाहिए सबसे पहले, बाकी लोग फेल नहीं होने चाहिए। इसलिए की को हम क्या करते हैं, वीकेस्ट डिज़ाइन में रखते हैं। डिज़ाइन जो हमारी होती है उसका वीक पोर्शन ही होता है की, ठीक है। तो की की बातें चली रही है तो मैंने आपको बताया था की के बारे में कि की ऐसी होती हैं। वापस से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो एरिया होता है इसका, ये शेयरिंग एरिया होता है, ये शेयरिंग एरिया होता है और ये जो एरिया होता है दैट एरिया इज क्रशिंग एरिया, ठीक है। तो क्रशिंग एरिया होता है इसकी, अगर डेप्थ डी है या फिर थिकनेस टी है तो टी बाई टू और इंटू एल, ठीक है। और शेयरिंग एरिया होता है बी इंटू एल। तो यहाँ पर मैंने दोनों बातें आपको बताई थी, एरिया दो टाइप के हैं, एक है कौन सा, शेयरिंग और दूसरा है क्रशिंग, दूसरा है क्रशिंग। शेयरिंग एरिया जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर B इंटू एल होगा और क्रशिंग एरिया होगा जो होगा यहाँ पर T बाई टू इंटू एल। ये बातें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन की के फेलियर की बात करें तो की दो केस में फेल हो सकती है, दोनों केस मैंने बता दिया था, शेयरिंग क्रशिंग। सबसे कमज़ोर कौन होती है, की होती है। और अपन ने स्प्रिंग के बारे में भी पढ़ा था, अब मैं की के कुछ आपको टाइप्स बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में जनरली उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। हालांकि वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है वो पार्ट, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। पेन कहाँ गया, तो टाइप्स ऑफ की पर आते हैं अपन, इसको साइड में कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कीज में एक होता है सन की, जो अभी अपन पढ़ रहे थे वो वाली की कौन सी है, सन की। और एक होता है सैडल की, सैडल की, ठीक है। सन की के बारे में बात करो, जो अभी अपन ने डिस्कस करी दैट वाज सन की, और सैडल की क्या होती है वो भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सन की का आपने बताया पार्ट की, आधा पार्ट तो होता है उसका शाफ्ट में, हाफ इन शाफ्ट और हाफ इन हब,
तो आधा तो होता है उसका हब में और आधा होता है उसका शाफ्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसका। और सैडल की बात करूं तो ये होती है ओनली इन हब, ये हब में ही होती है। किस में होती है? ये हब में। अब अगर मैं बात करूं तो ये हब में ही होती है, तो फिर ये कनेक्ट कैसे करती है? ये कनेक्ट करती है थ्रू प्रेशर, थ्रू फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि ये शाफ्ट पर फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पर रिलेटिव मोशन प्रिवेंट होगा। अब जब ये हब में होगी तो की वे भी किस में होगा? की वे ओनली इन हब। कहाँ होगा? ओनली इन हब। भाई जब हब में ही है की, तो की वे भी हब में ही होगा। जबकि यहां पर अगर मैं की वे की बात करूं तो की वे इन शाफ्ट एंड हब बोथ। ठीक है, क्लियर है? दोनों में की वे होगा और वहां पर सिर्फ एक में ही की वे होगा। दोनों का काम पावर ट्रांसमिशन का है। ठीक है, यहां पर पावर ट्रांसमिशन क्यों होता है? पावर ट्रांसमिशन क्यों होता है? फिक्सिंग के द्वारा। थ्रू फिक्सिंग, क्योंकि फिक्स कर दिया अब इसने। ठीक है, और यहां पर पावर ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। पावर ट्रांसमिशन थ्रू फ्रिक्शन ओनली। तो यहां पर फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसमिशन, और यहां पर फिक्सिंग की वजह से। ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट, और यहां पर भी ऐसा का ऐसा ही, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पर अपन चलें तो ये फिक्सिंग से होता है और यहाँ पर फ्रिक्शन से होता है। इसके अंदर क्योंकि फिक्सिंग है तो लॉसेस काफ़ी कम होंगे, हाई पावर ट्रांसमिशन या हाई एफिशिएंसी बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हैं अपन, हाई पावर ट्रांसमिशन या हाई एफिशिएंसी। और यहाँ पर बोलूँगा मैं लो पावर ट्रांसमिशन या लो एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, स्लिप भी होगा कई बार, लेकिन यहाँ पर स्लिप नहीं होगा दूसरे केस में। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब बंधुओं को क्लियर है? प्रिया सिंह जी गुड मॉर्निंग, कमलेश बंसल जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सैडल की में, सैडल की के वैसे लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि लो पावर ट्रांसमिशन है और यहाँ पर एफिशिएंसी भी कम होती है, दैट्स वाई सैडल की इज़ नॉट दैट मच ऑफ यूज़, ये ज़्यादा उपयोग में नहीं ली जाती है सैडल की। सर हिंदी में लिखो, आपकी हैंड राइटिंग मस्त है, ऐसा बात बोल रहे हो? हिंदी में लिखूँ? अच्छा कमलेश जी, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हिंदी में लिखते हैं, कोई दिक्कत। मैं आपको समझा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि इसका आधा हिस्सा तो हब में होता है, आधा शाफ्ट में होता है, इसका पूरा हिस्सा हब में होता है। जो की वे है, की वे इन द सेंस जो रास्ता है की के लिए जो रास्ता है वो सिर्फ हब में होगा और यहाँ दोनों में होगा। पावर ट्रांसमिशन थ्रू फ्रिक्शन मतलब यहाँ पर जो शक्ति का स्थानांतरण होगा वो घर्षण की वजह से होगा, शक्ति स्थानांतरण घर्षण की वजह से होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, शक्ति का स्थानांतरण घर्षण के कारण होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एएलपी का कर रहे हैं, ये एएलपी में नहीं आएगा आपके।
चिंता मत करो। निम्न शक्ति स्थानांतरण, ठीक है, ऐसे यहां पर लिख सकते हैं, उच्च शक्ति स्थानांतरण। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन थ्रू फिक्सिंग, थ्रू फिक्सिंग के मतलब सर कौन से सेम का है? ठीक है, सेम का नहीं है ये, अब मैं आपको आ जाता हूँ। ये है जूनियर इंजीनियर के लिए, किसके लिए? जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है ना जेई की, जैसे अभी एमपी में निकली है जेई, जेई के एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, एमपी सब इंजीनियर, ये उसके लिए है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर लेवल जेईएन, जेईएन बोलते हैं ना जिसको, जेईएन ये होता है जेईएन। ये क्या हो गया? अभी तो मिटता नहीं है, उंडू कर दे। ये जयन के लिए होता है। कमेंट पढ़ तो रहे हैं भैया कमलेश जी, कमेंट पढ़ रहे हैं, आपका जवाब भी दिया हमने। ओके, यूट्यूब में थोड़ा सा डिले रहता है, और डिले की वजह से आपके कमेंट का जवाब, एक तो आपका कमेंट मुझ पे देर से पहुंचता है, देर से पहुंचने के बाद फिर मैं उसको पढ़ता हूं, फिर मैं रिप्लाई करता हूं, तो रिप्लाई आपके पास और देर से पहुंचता है, तो डबल डिले हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि सैडल कीज जो होती है, सैडल की दो टाइप की होती है, एक तो फ्लेट होती है, एक तो फ्लेट होती है, एक होलो होती है। ठीक है, होलो और फ्लेट, देखो सैडल की के बारे में, यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू होलो ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? पावर ट्रांसमिशन पीटी, यानी कि शक्ति स्थानांतरण फ्लैट में ज़्यादा होगा, जबकि शक्ति स्थानांतरण होलो में कम होगा। अब ज़्यादा का मतलब ये तो नहीं है कि सन की से ज़्यादा हो जाए, सन की से ज़्यादा नहीं होगा, सन की से ज़्यादा नहीं होगा, रिलेटिवली आपस में एक दूसरे से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम ये तो टाइप्स थे सैडल की के, क्योंकि सैडल की ज़्यादा उपयोग में नहीं आती हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सन की के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, सन की क्या होती है, सन की के टाइप्स क्या क्या है, मैं लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक तो होगा फैदर की, एक होगा उडरफ की। ठीक है, दो टाइप की कीज होंगी। अब फेदर की और वुडरफ की में डिफरेंस क्या होगा, ये भी अपन समझ लेते हैं। ये की जो होती है ये पैरेलल की होती है, पैरेलल की, जैसे अभी अपन ने वहां पर डिजाइन बनाई थी, वो सारी डिजाइन किसकी थी, वो की की डिजाइन ऐसे, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, क्यूबॉइड शेप, वो फेदर की थी, और ये पैरेलल होती है। ठीक है ना, कौन सी की है ये पैरेलल की है। ये एक्सियल रिलेटिव मोशन को, एक्सियल रिलेटिव मोशन जो होता है, उसको प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? बिटवीन शाफ्ट एंड हब, उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है।
ये है इसका काम, ये पैरेलल हैं। दूसरी बात, ये एक्सियल रिलेटिव मोशन, एक्सियल मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस शाफ्ट रोटेट कर रही है तो हब भी इसके साथ ही चलने लग जाए तो ये उसको करता है प्रिवेंट। ठीक है, समझ में आएगी बात। उड्रफ की में बात करो तो उड्रफ की क्या होती है, सेमी सर्कुलर होती है। कैसी? सेमी सर्कुलर की। अब ये सेमी सर्कुलर है तो ये मिस अलाइन भी हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, सेल्फ अलाइन कर लेती है। ठीक है, और जनरली इसका उपयोग किया जाता है टेपर्ड शाफ्ट में। कहाँ किया जाता है? टेपर्ड शाफ्ट में। कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। यूज्ड इन टेपर्ड शाफ्ट। ठीक है, टेपर्ड शाफ्ट में इसका उपयोग होता है। इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि सेल्फ अलाइनिंग कैपेसिटी होती है, सेल्फ अलाइनिंग, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर हैं तो ये वापस से हिल डुल के अलाइन हो जाती हैं, जबकि ये वाली नहीं होती है। पैरेलल जो की होती है ना वो नहीं होती, सेल्फ अलाइनिंग एबिलिटी। और इसके साथ साथ ये हाई पावर ट्रांसमिशन करती है एज कंपेयर टू ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है? चलो बहुत बढ़िया जी है। इंक्रीज्ड पावर ट्रांसमिशन या हाई पावर ट्रांसमिशन होता किसके, किससे होता है? ये उड्रफ की से। भाई हमने सन की पढ़ी, सन की में भी दो टाइप की है, एक तो फेदर की होता है, एक वुड्रफ की होता है। तो फेदर की पैरेलल होती है जैसा कि अपन ने डायग्राम बनाया था की का, और फेदर सॉरी उड्रफ की होती है सेमी सर्कुलर। अब सेमी सर्कुलर होगी तो ये कोई भी अगर मिस अलाइनमेंट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द रोटेशन अपने आप खुद को अलाइन कर लेगी अपनी सही पोजीशन में। और टेपर्ड शाफ्ट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और रिलेटिवली इसके कंपेरिजन में, फेदर की के कंपेरिजन में ये हाई पावर ट्रांसमिशन रखती है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्थानांतरण ये करती है, ये बात है। अब दोनों का काम तो वैसे एक्सियल रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना होता है, यानी कि शाफ्ट के ऊपर जो हब लगा होता है वो आपस में एक दूसरे से रोटेट ना करने लग जाए, शाफ्ट और हब दोनों एक साथ चले, उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती हैं कौन, कीज। तो ये हो गया अपना सन की का भी डिफरेंशिएट। अब एक और स्पेशल की है, उसको भी अपन साथ में कवर कर लेते हैं, वो ना तो सन की है और ना ही वो दूसरी की है। ठीक है, उसका नाम है स्प्लाइंड की। हालांकि इससे अभी तक तो प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है। स्प्लाइंड की है, ऐसी बनती है, जैसे इसमें क्या होता है, बहुत सारी कीज बनेंगी साथ के साथ। ऐसी होती है देखने में, और ये इसका बेस। ठीक है, ऐसी कीज होती है, मतलब पूरा सिस्टम होता है जिसको फिट कर दिया जाता है। अब ये पूरा ऐसे कैसे, चार कीज का एक सिस्टम होगा, शाफ्ट होगी, इसके ऊपर हब को फिट कर दिया जाएगा तो ये तो और ज़्यादा एफिशिएंट होगी, क्योंकि इसमें चार कीज लग रही है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जनरली। तो इसकी एफिशिएंसी के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें अपन। क्या चर्चा करेंगे देखें इसके बारे में। ठीक है, ये सन की नहीं होती है, ध्यान रखना, नॉट अ सन की। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सी सन की नहीं है, तो आप बोलोगे कि स्प्लाइंड की इज नॉट द सन की, कि स्प्लाइन की जो है वो सन की नहीं है, नॉट अ सन की। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है,
दूसरा इसका काम भी क्या होता है, इसका काम भी आप जानते हो यार, यही काम होता है, सारी की का काम ही यही होता है, एक्सियल रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना, एक्सियल रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना, रिलेटिव मोशन बिटवीन शाफ्ट और हब को प्रिवेंट करना, शाफ्ट एंड हब प्रिवेंशन, ये लिख देता हूं मैं प्रिवेंशन, यहां पर भी लिख देता हूं प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंशन मतलब रोकना, उसको नहीं होने देना, ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये ऐसी शाफ्ट है जिसके अंदर इनबिल्ट कीज है, ये स्प्लाइंड की का मतलब है, शाफ्ट के ऊपर इनबिल्ट होती है ना ऐसी शाफ्ट, अगर हो तो ये इनबिल्ट कीज ओवर दी शाफ्ट, इनबिल्ट कीज ओवर दी शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर ये बनी हुई ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बनी हुई कीज है, और अब जब ये शाफ्ट पे बनी है की खुद शाफ्ट पे माउंटेड है, तो क्या शाफ्ट में की वे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर वो बनी हुई है कास्टिंग से, तो अब की वे कहाँ होगा, कीवेज आर ओनली इन हब, कीवेज आर ओनली इन हब, ठीक है, कीवेज आर ओनली इन हब, कहाँ गया, हाँ, अब देखो ये मैं यहां पे बता देता हूं कि नोट अ सन की, लेकिन दूसरा पॉइंट भी लिख लो, नॉट अ सैडल की ऑल्सो, सैडल की भी नहीं है ये, नॉट अ सैडल की, अब इसका मैं बता देता हूं कारण क्या है, कैसे नहीं है, ना तो सैडल है ना ही सन है, सन की के लिए क्या होना चाहिए, कीवेज शुड बी इन द शाफ्ट एंड हब, यानी कि कीवेज जो है वो शाफ्ट और हब दोनों में होना चाहिए, की दोनों में जाएगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हब में है, अच्छा हब में ही की जाती है, किस में, सैडल की में, लेकिन सैडल की में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से होगा क्या, नहीं, फिक्सिंग की वजह से होगा, तो इसमें आधे गुण तो सन की के हैं, आधे गुण सैडल की के हैं, तो ये क्या है, ना तो सैडल की है ना ही सन की है, ये ध्यान रखना, ये अलग ही की है जिसका नाम है स्प्लाइन की, ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे कपलिंग, अब अपना अगला टॉपिक है कपलिंग, जिसमें ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा और लगभग मशीन डिजाइन जो सब्जेक्ट है वो एंड हो जाएगा, कपलिंग की बात करता है। अच्छा कपलिंग का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कपलिंग क्या होती है, कपलिंग क्या होती है, एक की ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर करना, आप कपल्स क्यों बनाते हो, ऊर्जा ट्रांसफर के लिए है, ठीक है, चलो कपलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कपलिंग होती है एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है दो शाफ्ट्स को, दो डिफरेंट शाफ्ट्स को, ताकि उन दोनों के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है, यानी कि ये ऐसा एक मैकेनिकल एलिमेंट है, मैकेनिकल एलिमेंट विच कनेक्ट टू डिफरेंट शाफ्ट, डिफरेंट शाफ्ट सो दैट शाफ्ट ताकि सो दैट प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन, दो बार प्रॉपर लिख दिया, पावर ट्रांसमिशन कैन हैपन, ठीक है, अब ये समझ में आएगी बात, यानी कि इनका उपयोग क्यों करते हैं अपन कपलिंग का, ताकि पूरी तरीके से सही तरीके से ऊर्जा का शक्ति का स्थानांतरण हो सके दो शाफ्टों के मध्य, इनका यही प्रयोजन है। अब कैसी होती है दिखने में, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, बनाता हूँ थोड़ा सा, कोशिश करता हूँ,
गोला बनाने के, बन गया गोला, ठीक है, गलत बना दिया, गलत बना दिया बाबू। इस प्रकार की होती है कपलिंग, जिसमें क्या होता है ये कनेक्ट हो जाती है, यहाँ पर स्क्रू लगा दिए जाते हैं इन होल्स में, स्क्रू होल्स होते हैं, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड कपलिंग, इधर वाले को, ठीक है, इधर वाले को बोलेंगे राइट हैंड कपलिंग, ठीक है श्रीमान, ये होता है। अब कपलिंग का काम क्या होता है ये भी लिख लेते हैं अपन। पहला काम है अलाइन और ज्वाइन टू डिफरेंट शाफ्ट्स, ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, देयर इज नो पावर, देखो यहां पर पावर ट्रांसमिशन का काम तो है ही सही, देयर इज नो पावर लॉस, यहां पर कोई पावर लॉस नहीं होता है क्योंकि यहां पर किसी फ्रिक्शन से भी नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो पावर लॉस इन कपलिंग, कपलिंग मतलब हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंट, ठीक है, सारा पावर, जब पावर लो से नहीं हो रहा तो सारा पावर ट्रांसफर हो रहा होगा तो हाई एफिशिएंसी होगी, ठीक है, ये है मेन इसके फंडे। ठीक है सब, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समस्या समस्या का समाधान यही हो जाएगा अगर हो तो। अब अपन टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है बट इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं यार कभी कभार, तो कर लें। देखो एक तो होता है, एक होता है रिजिड कपलिंग और एक होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग, रिजिड कपलिंग, रिजिड कपलिंग का मतलब होगा कि ऐसी कपलिंग जो बिल्कुल फिक्स है, फ्लेक्सिबल कपलिंग मतलब उस कपलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अभी अपन पढ़ेंगे एक एक करके सारा। रिजिड कपलिंग के बारे में आप जानते हैं, रिजिड कपलिंग में आता है तीन टाइप की कपलिंग, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक आएगी मेरी मफ कपलिंग, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक स्प्लिट मफ और एक फ्लैंज, दूसरी स्प्लिट मफ, और तीसरी है फ्लैंज कपलिंग, ठीक है। यही फ्लेक्सिबल की बात करूं तो इसमें बुश्ड पिन, यूनिवर्सल और ओल्डहम कपलिंग, बुश्ड पिन एक होगा, यूनिवर्सल कपलिंग,
एक होगा ओल्डम। ये तीन टाइप की कपलिंग है, ठीक है, इसमें भी तीन, उसमें भी तीन। अब इसमें क्या होता है, जनरली ये जो होती है स्लीव कपलिंग, बॉस कपलिंग, ये सब मफ कपलिंग के नाम है। मफ कपलिंग में स्लीव कपलिंग भी आती है, बॉस कपलिंग भी आती है, लिख लो, ठीक है, यही होता है। अब इसमें क्या होता है, होलो शाफ्ट्स होती हैं, होलो शाफ्ट्स को ज्वाइन करना होता है, होलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट्स होती हैं, सिलेंडर्स, और इनको ज्वाइन करते हैं अपन जनरली किससे, सन की से। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, मफ कपलिंग में सन की का यूज करते हैं, ठीक है। ये स्प्लिट मफ कपलिंग में, इसको अपन वो कपलिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार इसका नाम, क्लैंप कपलिंग, क्लैंप कपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और क्लैंप कपलिंग में जनरली क्या होता है, फ्रिक्शन का ज़्यादा रोल होता है, फ्रिक्शन का ज़्यादा रोल होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन के थ्रू पावर ट्रांसमिशन होता है, फ्रिक्शन यूज्ड होता है, ये फ्रिक्शन के थ्रू पावर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो पावर लॉस होंगे, फ्रिक्शन के थ्रू होगा तो पावर लॉस होंगे, ठीक है। कंप्रेशन होगा, भाई फ्रिक्शन तो कब काम करेगा ज़्यादा, जब कंप्रेशन होगा दोनों के बीच में, तो कंप्रेशन पावर लॉस, ये कुछ कुछ पॉइंट हैं। फ्लेंज कपलिंग में क्या होता है, एक्सिस मिसअलाइंड होती है, एक्सिस मिसअलाइंड, ठीक है भाई। रिजिड कपलिंग है, रिजिड कपलिंग में सेम एक्सिस पर पावर ट्रांसमिशन तो होगा लेकिन मिसअलाइंड एक्सिस पर भी तो होगा, और यहां पर क्या होगा, किसी न किसी की का यूज करना पड़ेगा, और वो की कौन सी होगी आप जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये जो लिखी हुई है, इसको वर्क कपलिंग भी बोलते हैं, यूनिवर्सल और वर्क कपलिंग, मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर होते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल यानी कि इसके अंदर जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो सेम एक्सिस पर नहीं होता है, ठीक है। नॉन एक्सियल, नॉन पैरेलल, पैरेलल भी नहीं होता है तो फिर कैसे होता है, और नॉन इंटरसेक्टिंग, नहीं नहीं नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग होता है इसमें, ठीक है, ये होता है। ओल्डम कपलिंग में होता है पैरेलल और इसेंट्रिक और नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। यहां पर होता है पैरेलल, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा सेंटर से दूर, बस इतनी चीजें याद करनी है, ये लिख लो, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लो, और कोई मतलब नहीं है, बस इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यार ये देख लो, की कनेक्ट्स अ फ्लेंज कपलिंग टू अ शाफ्ट इज लाइकली टू फेल। फ्लेंज कपलिंग कहाँ है यार, इधर है क्या, ये रहा, इसमें जो की यूज होती है वो किस में फेल होगी बताओ, किस में फेल होगी। फ्लेंज कपलिंग में रिजिड कपलिंग है, अब रिजिड कपलिंग में ऐसे होगा टॉर्शन ज़्यादा रहेगा भाई, बेंडिंग मोमेंट तो बहुत कम रहेगा, टॉर्शन ज़्यादा रहेगा, और टॉर्शन से जो शीयर होगा वो भी ज़्यादा होता है, तो टॉर्शन से शीयर ज़्यादा होगा तो जनरली किस में फेल होगा, शीयर में फेल होगी, किस में, शीयर में, टेंशन में, बेंडिंग में फेल होगी, नहीं शीयर में। टॉर्शन जो होता है उसको टॉर्शनल फेल नहीं बोलते हैं, टॉर्शन जो होता है उसकी वजह से शीयरिंग होती है, तो फेलियर तो शीयरिंग होगा, शीयरिंग, क्रशिंग, ट्रशिंग, ये होता है, टॉर्शनल नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, ये बोल रहा है कि स्क्वायर की ऑफ द साइड डी बाई फोर ईच एंड लेंथ वन इज यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क टी फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी टू हब ऑफ अ पुली अज्यूमिंग लेंथ ऑफ द की टू बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द पुली द एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द की इज डी बाई फोर। मापा जाए तो प्रत्येक भुजा एवं फलाना ढिकाना की वर्गाकार कुंजी को व्यास डी की शाफ्ट से पुली,
अब ये आपको सॉल्व करना है। देखो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2015 का है। वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर की है, स्क्वायर की का मतलब होगा उसकी सारे साइज इक्वल हो जाएंगे, यही होगा ना। अब हमें यहां पर क्या बताना है, उसके हिसाब से शियर स्ट्रेस बताना है जो उसमें डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस बताना है जो उसमें डेवलप होगा की में, की में जो डेवलप होने वाला शियर स्ट्रेस है वो कैसा होगा। सबसे पहली बात तो ये कि शियर जो होगा यहाँ पर दो तरीके से होगा, आप सब जानते हैं, क्रशिंग से होगा एक तो, और एक होगा किससे, टोर्शनल से। अब लेंथ स्क्वायर की है, स्क्वायर की है तो यानी कि उसकी थिकनेस और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई दोनों सेम है। और अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर डी स्क्वायर आता है कि नहीं आता, हमारे फॉर्मूले में डी स्क्वायर आता ही नहीं है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें टो इंड्यूस्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2t बाई dBL, ये पढ़ा था 2t बाई, अच्छा सॉरी, यही पढ़ा था, एक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था क्रशिंग में, ये क्रशिंग है, एक क्रशिंग है और ये शेयरिंग है। ठीक है, क्रशिंग में मैंने इंड्यूस्ड पढ़ा था, क्या कहाँ गया यार, एक क्रशिंग सिग्मा इंड्यूस्ड जो क्रशिंग था वो पढ़ा था मैंने 4t dBL, यही था DTL था, DTL सॉरी, पर यहाँ पर BOT सेम है तो पर B ले सकते हैं, DTL था, दोनों सेम। अब ये बताओ इसने क्या पूछा है, शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द की, तो शियर स्ट्रेस तो यही है यार भाई, शियर तो यही है, ये तो क्रशिंग है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको कैसे लिखोगे, उसने बोला कि D तो डायमीटर हो गया, ठीक है, और ये टोर्शन हो गया, L लेंथ हो गई। अभी देखना यहाँ पर स्क्वायर की ऑफ साइड डी बाई फोर, साइड मतलब बी इज इक्वल टू डी बाई फोर, यही तो साइड होगी ना उसकी, स्क्वायर की डी बाई फोर, लेंथ एल है क्या, ये एल लिखा है वहां पर लेकिन वो वन लिखा में आ गया, लेंथ एल है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको करने के लिए 2t अपॉन किसकी जगह, बी की जगह डी बाई फोर रखूंगा, तो डी तो है ही सही, ये डी तो रहने दो, और यहाँ पर इसकी जगह d बाई फोर रख दिया मैंने इंटू एल, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8t अपॉन, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इंटू एल, एल डी स्क्वायर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ये मैंने इसीलिए मिटाया था क्योंकि मुझे ध्यान में आया कि वहाँ पर जो है स्क्वायर की का d बाई फोर कर रखा है, यानी स्क्वायर की शाफ्ट के डायमीटर की 1/4 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, यही बात आपसे पूछी। एक और क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ द बेंडिंग एम एंड टॉर्क टी इज, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें जो यहां आता है 32 m बाई पाई डी क्यू, यही आता है, एम ई इक्वलेंट अगर मैं कर दूं तो ये आएगा आपका 5d³ एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आता है कंबाइन लोडिंग में, यही आता है। तो यहां से एम इक्वलेंट क्या निकल जाएगा आपका, एम इक्वलेंट निकलेगा आपका 6 है, और टो निकलता है यहाँ पर टो इक्विवेलेंट, वो ये होता है सिर्फ टी इक्विवेलेंट जिसको बोलेंगे अपन, वो होगा, दिस इज क्लियर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस पर आए हुए थे, अपन ने डिस्कस किए, तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है, हम बाकी की चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे।
तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब लगभग आपका 80% सिलेबस मशीन डिज़ाइन का कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर में और होगा, उस लेक्चर में एक या दो लेक्चर में आपका मशीन डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन नया एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उस सब्जेक्ट को फटाफट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद।